देखो हम मजनू के टीले आ चुके हैं, मानस आ चुका है, शशांक आ चुका है, साहिल आ चुका है और नया ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया। अभी रात के 10:45 बज रहे हैं, बहुत ही भागम दौड़ी में फटाफट से 10 मिनट में पैकिंग करके, 7-8 मिनट में पैकिंग करके फटाफट आया हूँ मैं यहाँ पे। बड़ा ही जाम है, तुम देख सकते हो, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ मैं यहाँ तक, बहुत केओस है, पीप आप उड़ा रहा है, लेकिन अब पहुंच चुका हूँ फाइनली। अब बस का इंतजार है, उसके बाद जाएंगे मनाली सीधा। अब बस हमारी है वॉल्वो पुश बैक सीट, ये थोड़ी है हमारी वॉल्वो पुश बैक सीट वाली है। कल सुबह पहुंचेंगे मनाली, हाँ जब भी जाम बांध के हिसाब से होटल हो गया हमारा, करेंगे ना तो बस में खाली है तो होटल होटल भी देखेंगे। अभी कुछ नहीं पता हमारा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। इतनी भागम दौड़ी करके आया मैं, बस आ ही नहीं रही है, बताओ इतनी देर हो गई है। ये क्या ऐसी वाली में चलते, ये तो बस बहुत कूल है भाई, ये तो बहुत ही कूल है, क्या लाइटें है इसमें, देखो अंकल देख रहे हैं। हेलो, हमारी बस यही है, यही है क्या, मेरी तो आंखों में मिट्टी घुस गई। यहाँ भी तो बैठ सकता है तू, मानस इतनी बड़ी अटैची को लेके आया तू? अरे मैं लद्दाख जाऊंगा यार, मैं कपड़े नहीं लाया, चल वहीं से खरीद के चला सकते हैं। तो बैठो तो सही, ब्लैंकेट भी मिलता है इसमें, ये भी है हमारी, यहाँ बैठूंगा मैं, ये सही है ना, यहाँ पे मैं मानस को बोल सकता हूँ आगे हो किसी और को थोड़ी बोलूंगा फायदेमंद की सीट है ये, मतलब हाँ सही है, थोड़ा लेग रूम मिलता है। मानस आगे हो, यो अरे अरे आगे हो, मैं दब गया, किसे नीचे कर, मेरा वो गिर गया, नीचे क्यों करूंगा मैं, कंफर्टेबली बैठूंगा पागल, कल सुबह पहुंचेंगे 9:30 बजे। वैसे कम पैसे जा तो सकते हैं, जो मैं 15.5 घंटे की एयर इंडिया से आया था ना, उससे ज्यादा कंफर्टेबल है ये। 11:30 बज रहे बस में तो सब ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी मूर्थल पहुंचने वाले हैं, पर ये तो इनकी कोई टाई अप होती है ना बस वालों की, ये जो भी टूर कंपनी, तो हम कोई रंगोली ढाबा पे रुकने वाले हैं, पता नहीं कैसा है वो, वरना हम तो हवेली वगैरह रुकते हैं, सुखदेव रुकते हैं। और व्लॉग भी नहीं गया आज का, क्योंकि आज सुबह से ही भाई मैं ऑन टूर, मैं घर ही नहीं आ पाया हूँ, और मेरा अब लैपटॉप भी बंद हो गया, मैं यहाँ एडिट कर दिया है, फाइनल एक्सपोर्ट हो रहा था तभी बंद हो गया, चार्जिंग है नहीं यहाँ पे, लैपटॉप आने वाला है बस यहाँ पर, आधे घंटे के लिए 30 मिनट का ब्रेक है आपका, तो सभी से रिक्वेस्ट है कोई लेट ना करें प्लीज। चल ना तू भी खड़ा हो जा मानस, केओस फैला दे तू, न्यूसेंस। इस जगह रुके हम तो, रंगोली ढाबा, मुझे लग रहा है यहाँ सिर्फ बस वाले ही रुकते हैं, यहाँ पे वो तो है नहीं जैसे गाड़ियाँ रुकती है, सब सिर्फ टेम्पो ट्रैवलर और बसेस ही हैं। ये ढाबा सिर्फ टाई अप्स के भरोसे चल रहा है भाई, ऑर्डर क्या पहले ऑर्डर कर देते हैं, रोटी सब्जी पहले ऑर्डर करते हैं, कोई बस निकल जाए। आप बढ़िया खाना खाते हैं यार, एकदम अंदर बैठे ना एसी हाल में, बुफे लगा है यहाँ पे, तो पहले तो इसे चलाते हैं, 11:30 बज गए, रात के आज का व्लॉग ही दिया है, एकदम शेडी बार वाली हुआ है, एकदम क्रेजी। मैं वीडियो ही डाल रहा हूँ, इतने में खाना भी आ गया, पता भी नहीं लगा, दाल पनीर और आलू प्याज पराठा है, खाना खा के देखा हमने, मूर्तल के लेवल के हिसाब से तो बहुत ही बेकार खाना है, पर सही है अब बस जा रुक रही है, बस में आया ना, क्या कर सकते हैं, रात के 12 बज गए हैं, अब वापस से बस में जाएंगे, सुबह पहुंचेंगे मनाली, वो अलग बात है कि हमारे पास होटल ही नहीं है, तो मनाली जाके बस पकड़ के मैं ऐसे ही खड़े होंगे सड़क पे, या मैं कोई रख लो, मिस हो चुका है बताओ। अभी बैठ के हमने होटल बुक करा दिया है, रेनेस्ट करके कोई होटल है, अभी बुक कराया हमने, देखते हैं कैसा निकलता है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हमें पहुंचना 9:30 था, लेकिन मुझे नहीं लगता हम पहुंचेंगे 10:30। ऐसी जगह पे रुके हम, बहुत ही क्रेजी जगह है, सब बस वाले यहीं रुकते हैं, ये जगहें सिर्फ चली इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे ऐसी बसेस रुकती हैं, क्रेजी माहौल हो चुका है यहाँ पे, हमारे लायक तो नहीं है भाई, वहाँ पैराग्लाइडिंग भी हो रही है और वहाँ बर्फ भी है कहीं, कहाँ गई, अरे बर्फ वाले पहाड़ तो थे, सामान हो गया वहाँ सर, 12:30 बज गए, हम बस से उतर चुके हैं, वैसे तो बस वाले ने किसी पार्किंग में रोकना था, लेकिन हमने बात बात करके पहले ही रुक गए, क्योंकि हमारा होटल पहले ही है, पार्किंग लेटर ऑन थी और आगे जाम था। ये होटल है हमारा, होटल में पहुँच चुके हैं हम, हाय गुड आफ्टरनून, ईश खन्ना के नाम से, वेलकम ड्रिंक मिल गई है, हमारे रूम रेडी होने में आधा घंटा लगेगा, तब तक यहीं बैठते वेट करते हैं, सही लग रहा है होटल तो। वैसे होटल की खास बात यह है, पहले इस होटल का नाम कुछ और था, और 2017 में जब मैं मम्मी पापा अपनी बहन के साथ यहाँ पे आया था तो सेम होटल में रुका था, और हम सेम होटल कर लिया हमने, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है यार, बताओ होटल से निकलते ही, और ये सब भी है खाने के लिए होटल से निकलते ही, जल्दी आओ, जब तक रूम वूम तैयार होते तब तक थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं यार, अभी नाश्ता तो किया नहीं है, बताओ यहाँ पे ये सब कुछ है खाना है तो नाश्ते में, मैं तो KFC भी खा सकता हूँ, हम ऐसी फूड कोर्ट टाइप जगह पे आ चुके हैं। चलो फिलहाल तो नाश्ते में मसाला डोसा खा रहे हैं हम, वांगो से थोड़ी देर में फिल्टर कॉफी भी आ जाएगी, सही है डोसा तो,
कैसा होता है मतलब? कल तो होटल में ही ब्रेकफास्ट है, मीठा क्यों है? हाँ थोड़ा मीठा है फॉर सम रीजन। फिल्टर कॉफी भी आ चुकी है मेरी। कहाँ है 407? खुल गया, चलो देखते हैं। ये तो हो गया हमारा नीचे वाला बेड, और ये ऊपर सीढ़ियाँ जाएंगी और ऊपर भी मिल जाएगा तुम्हें, तो एक ही में हम चारों। अरे यार इसका व्यू फाड़ है यार, रिवर दिख रही है यार मुझे, वाह यार क्रेजी है यार। यो नहीं ऊपर का भी बढ़िया लग रहा है, ऊपर का भी अपने आप में फैंसी रूम है, ऊपर कोई व्यू नहीं है, नीचे है भाई रिवर का। पर जब हम रात को आएंगे तो रिवर कुछ नहीं दिखेगी हमें। रिवर अभी दिख रही है? अभी तो दिख रही है यार, सही लग रहा है वैसे कमरा तो। बाथरूम नीचे भी है क्या? बाथरूम दो है इसमें, नीचे देखियो। यो सॉर्टेड, इसी चला देते हैं। मैंने तुम्हारा बढ़िया होटल करा दिया लास्ट में, वैसे 2017 में मैं आया था ना यहाँ पे उसकी वजह से।